भाई साहब कल की 2898 इस साल की ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर होने वाली है, नो डाउट, क्योंकि मेकर जिस हिसाब से इस मूवी को प्लान कर रहे हैं भाई, मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज करने की बातें चल रही हैं, देन उसके बाद भाई जो कॉन्सेप्चुअल आर्ट यानी कल्कि का जो जन्म हुआ था यानी डिवोशनल कनेक्शन, मतलब हिस्ट्री में जाएंगे पर उस हद तक जाएंगे भाई, महाभारत का कनेक्शन देखने को मिल रहा है, देन उसके बाद सॉन्ग्स पर बातें चल रही हैं, टीजर आना है, और उसके बाद भाई ये भी बातें चलनी कि ये मूवी आखिर कमाई कितनी करेंगी, जो अभी से ही अर्ली प्रिडिक्शन निकलने सेट हो गए हैं, तो सारी चीज़ों को एक एक करके अभी कवर करने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए वेट करना है, उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे बिगेस्ट अपडेट ये निकल कर आ रही है, डायरेक्टर नाग अश्विन कह रहे हैं कि महाभारत के टाइम से ये मूवी स्टार्ट होगी और कहां जाकर खत्म होगी, मतलब पहला पार्ट कल की 2898 AD में, यानी 6000 साल पहले ये स्टार्ट होगी और 6000 साल के बीच में जितना भी एरा ये कवर करने वाले हैं वो फर्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। बहुत एक्साइटमेंट है। देन भाई 9 मई को हमें मूवी तो देखने को मिली जाएगी, लेकिन इससे जुड़ी एक और बात ये आ रही कि जो कल्कि का सेकंड पार्ट है वो जो जैसे 2024 में 9 मई को देखने को मिलेगा, वही 2025 में 9 मई को सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा, यानी सेम डेट इन्होंने रख रखी है, ये भी दमदार है। देन मूवी को भाई मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज करने की बात चल रही है, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, ऐसा पूरी 22 लैंग्वेज में मूवी को रिलीज करने की बात चल रही है, जिसमें से 5 से 6 भाषा तो सिर्फ इंडियन होने वाली है एंड द रेस्ट ऑफ द लैंग्वेज बाहर कंट्री से होने वाली, यानी इंटरनेशनली मूवी को जबरदस्त टारगेट करा जा रहा है। मेकर्स फुल कॉन्फिडेंट हैं अपने कंटेंट को लेकर, और यही चाहिए भाई, क्योंकि ठीक है इंडिया से तो बहुत फेल के कमाई करेगी, हिंदी लैंग्वेज से भी, देन उसके बाद तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड रेस्ट ऑफ द अदर लैंग्वेज से भी, भाई बाहर क्या कमाई करने वाली है, क्योंकि डिस्टोपियन एरा की मूवी हॉलीवुड का जो क्रेज चला रहता है बाहर की मूवी, खासकर यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन कंट्रीज में हो गया, देन उसके बाद यूएसए वगैरह में, भाई डिस्टोपियन एरा की मूवी पेल के कमाई करके लेके जाती हैं, तो उनमें से इंडियन सिनेमा की अपनी कल की 2898 भी एक होने वाली है। और यस, क्योंकि मेकर्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं, इतनी सारी लैंग्वेज में रिलीज करने का मतलब यही बनता है। दूसरा भाई कॉन्सेप्चुअल आर्ट, यानी संभाला सिटी, संभाला शहर जो था जहां पर कल्कि का जन्म हुआ था, विष्णु के 10वां अवतार जो कल्कि थे उनका जन्म जहां हुआ था, उसके कॉन्सेप्चुअल आर्ट पर काम चल रहा है, यानी भाई डिटेलिंग पे ये लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। दूसरा भाई सॉन्ग बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं, सॉन्ग्स पर काम चल रहा है, इटली के लिए ये लोग टेक ऑफ कर चुके हैं और लंदन में इन्होंने शूटिंग फिनिश कर ली है सॉन्ग्स की, तो हमें सॉन्ग्स मिल जाएगा। लेकिन बकवास बात ये हो रही है कि भाई साहब 8 मार्च जब शिवरात्रि के दिन हम टीजर का वेट कर रहे हैं, ये लोग भाई सॉन्ग रिलीज करने की बात आई है कहीं से, र्यूमर्स आया है, लेकिन अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 8 मार्च को टीजर ही आएगा, और यस हमें टीजर ही चाहिए, सॉन्ग्स लाओ उसके लिए भी वेट है, लेकिन सॉन्ग्स को आगे पीछे कभी भी ले आओ, चाहे आगे ले आओ चाहे पीछे ले आओ, लेकिन 8 मार्च को बाबा टीजर मांगता है, क्योंकि वेट है। तो ऐसे इतनी सारी बातें तो चली रही हैं, साथ में ये भी चल रहा है, अर्ली प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी कितना कर सकती है। भाई जिस हिसाब से प्रभास की मूवीज अभी तक कमाई करते आई हैं और कल की 2898 नो डाउट ये मूवी फाड़ के जाएगी, तो हिंदी से ये कितना ले आएगी, भाई मिनिमम आंकड़ा अभी माना जा रहा है कि 500 करोड़ सिर्फ हिंदी से कहीं नहीं गए। देन उसके बाद साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो तेलुगु ओरिजिनल लैंग्वेज में 300 करोड़ सिर्फ इससे कहीं नहीं गए। देन उसके बाद तमिल, कन्नड़ा, मलयालम एंड रेस्ट ऑफ दी अदर लैंग्वेज से सिर्फ इंडिया में भाई साहब 250 करोड़ का आंकड़ा उम्मीद लगाई जा रही है, और लगाना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से भाई ये प्रमोशनल स्ट्रेटजी जो चल रही है, छोटी से छोटी अपडेट जो मेकर्स की तरफ से कहीं ना कहीं से आ ही रही है लोगों के पास में, वो बिल्कुल कनेक्ट करके रखनी है फैंस को, खासकर मुझको, भाई बहुत वेट है इस मूवी के लिए। देन ओवरसीज की अगर बात करें, क्योंकि 6 से 5 लैंग्वेज तो इंडिया में कवर अप हो जाएंगी, और बात चल रही है 22 लैंग्वेज मूवी रिलीज करने की, तो 15 से 16 लैंग्वेज जो इंटरनेशनली कवर होने वाली है, तो फिलहाल अगर अर्ली एस्टिमेट 500 करोड़ कहें तो कोई दो राय नहीं है, और हु नोज कि ये मूवी 1000 करोड़ भी ओवरसीज से ला सकती है। आपसे अर्ली प्रिडिक्शन ये लग रही है भाई 1600 करोड़ ये मूवी कहीं नहीं ले जाते दिख रही है, 1600 करोड़ मिनिमम स्केल पर इसके खाते में आते दिख रहे हैं, तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, 3000 करोड़, 4000 करोड़, भाई मैं मान के चल रहा हूँ कि 2500 से 3000 करोड़ ये मूवी ठोक जाएगी। आप लोगों का क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, बाकी इससे जुड़ी और भी कुछ बातें आपको पता है तो वो भी नीचे जरूर शेयर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।